देखिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे, राहुल गांधी भी पहुँचे हुए थे। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि चाहे सत्ता पक्ष की बात हो या फिर विपक्ष की बात हो, हर पार्टी के नेता आज सीडीएस विपिन रावत को और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं। राहुल गांधी के पहुँचने की यह तस्वीर है। कुछ देर पहले राहुल गांधी उनके आवास पर पहुँचे थे और उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। और दूसरी हम लाइव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं देश भर से, जहां पर लोग, उनके करीबी, उनके चाहने वाले और सेना से जुड़े हुए तमाम बड़े अधिकारी जिनके साथ में उन्होंने काम किया था, जो उनके प्रेरणा थे, वो तमाम लोग आज अपने हीरो को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, ये लंबी लाइन है, ये लंबी लिस्ट है जो पूरे देश भर से तमाम बड़े नेता आज उनके आवास पर एक आखिरी विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। और उनके आवास के बाहर जितने लोग अंदर दिख रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा लोग आवास के बाहर मौजूद हैं, जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और अपने हीरो सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दें, अंतिम दर्शन करें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो भी उनके आवास पर पहुंचे हुए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। तो बहुत ही भावुक करने वाला ये क्षण है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे हुए हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है।